एप्लीकेबिलिटी ऑफ़ प्रोविज़न ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल कौन सी एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है राइट right? ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 138 में है कि कौन कौन सी कंपनी है जिसको मैंडेटरीली वो इंटरनल ऑडिट uh, करवाएंगी ही सो एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट देखो ऑडिट क्या है ये मत पूछना एज पर द सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ दू थाउजेंड थर्टीन द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज प्रिस्क्राइब इन रूल थर्टीन ऑफ द दूल टू थाउजेंड फोर्टीन शेल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एज इंटरनल ऑडिटर और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स नेमली देखो या तो आप फर्म अपॉइंट करो या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करो राइट सो इंटरनल ऑडिटर का ऐसे कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि कौन इंटरनल ऑडिटर होगा बट इन लोग ये लोग इंटरनल ऑडिट करवाएंगे राइट सो कौन है ये एवरी लिस्टेड कंपनी सारी लिस्टेड कंपनी है अगर आप लिस्टेड हो ना किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप अगर लिस्टेड हो कहीं पे भी तो आप लिस्टेड कंपनी है तो आप इंटरनल ऑडिट करवाओगे ही आप स्केप नहीं कर सकते इन इंटरनल ऑडिट से आपको मैंडेटरली आप इंटरनल ऑडिट कराओगे ही सो एवरी लिस्टेड कंपनी सेकेंड देखो तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये तीनों सो एवरी लिस्टेड कंपनी ए बी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फिफ्टी करोड़ रुपीज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है राइट जितनी भी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सॉरी लिस्टेड कंपनी तो करेंगी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर पचास करोड़ या उससे ज़्यादा है ठीक है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे टर्न ओवर टर्न ओवर ऑफ टू हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और मोर टर्न ओवर दो सौ करोड़ की बात हो रही है दो सौ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रिसडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑन बोरोइंग्स फ्राम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग वन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रिसडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है देखो यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है टर्न ओवर की बात हो रही है, है. ये तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख करके पता लगा लेंगे राइट सो so, यहाँ पर और जो ये लोन और बोरोइंग्स है ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पूरे एक साल में जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपके उसमें अगर किसी भी टाइम एक टाइम भी अगर ये कर जाती है आपकी लोन और बोरोइंग्स तो आपको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है लिमिट क्या है वन हंड्रेड करोड़ सो वन हंड्रेड करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग नेशनल मतलब एट एनी पॉइंट इस दोनों में एट एनी पॉइंट है आउटस्टैंडिंग लोन्स में एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स में एट एनी पॉइंट है ठीक है लिमिट हंड्रेड और ट्वेंटी फाइव है और यहाँ पे पेड ऑफ़ शेयर कैपिटल कितनी है फिफ्टी करोड़ और टर्न ओवर टू हंड्रेड करोड़ जो सबसे ज़्यादा है वो टर्न ओवर ठीक है उसके बाद लोन है आउटस्टैंडिंग लोन हंड्रेड उसके बाद पेड ऑफ शेयर कैपिटल है उसके बाद आउटस्टैंडिंग uh, डिपॉजिट्स है सो सौ पचास दो सौ सौ पचास पच्चीस पच्चीस पचास सौ दो सौ मतलब ये पच्चीस पचास सौ दो सौ आप याद रख लेना यहाँ पे टर्न ओवर है पेड ऑफ शेयर कैपिटल है पेड ऑफ शेयर टर्न ओवर ट्वें दो सौ है आउटस्टैंडिंग लोन हंड्रेड है और पेड ऑफ शेयर कैपिटल फिफ्टी है और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स डिपोजिट्स ट्वेंटी फाइव है सो so, और यहाँ पर क्या है एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग इसमें दो क्राइटेरिया है टर्न ओवर है आउटस्टैंडिंग लोन्स है दो ही हैं ऊपर से दो आ गई उठ करके नीचे सीधे टर्न ओवर ऑफ टू हंड्रेड करोड़ ड्यूरिंग टू हंड्रेड करोड़ और मोर ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड आउटस्टैंडिंग लोन और बोरइंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग्स वन हंड्रेड करोड़ रुपीज़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सो इसमें क्या है टर्न ओवर है दो सौ और सौ इसमें दो सौ और सौ है और इसमें पच्चीस पचास सौ दो सौ है सो so बस इट इज़ प्रोवाइडेड दैट एन एक्जिटिंग कंपनी कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबअब क्रेटेरियाज शेल्थ एम्प्लाय चलो इससे आपको मतलब नहीं है सो आप समझ गए सो ये इंटरनल ऑडिट किसमेंडिटी है अपलिकेबिलिटी ऑफ़ प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट सो एवरी लिस्टेड कंपनी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एवरी प्राइवेट कंपनी सो so, ये तीन कंपनीज है यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में है सो so, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो फिफ्टी करोड़ और मोर है ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्न ओवर टू हंड्रेड करोड़ और मोर है ड्यूरिंग द प्रसिडिंग फाइनेंशल ईयर आउटस्टैंडिंग लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हंड्रेड या और मोर है तो आप फिर कराओगे और या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स Uh, कितना है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ट्वेंटी फाइव करोड़ मोर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो आप कराओगे इंटरनल ऑडिट राइट सो यहाँ पे एक भी अगर एक भी कंडीशन में आप फिट बैठ जाते हो या तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है या सेकेंड है या थर्ड है इसमें से कोई भी एक है तो आप एप्लीकेबल है आप इंटरनल ऑडिट कराओगे ही और प्राइवेट uh, कंपनी को दो ही है सो एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर जो है वो टू हंड्रेड करोड़ है और स्टैंडिंग लोन हंड्रेड करोड़ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम